पुलिस वाले तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? साले कहने लगे धंधा बढ़ गया तो हफ्ता भी बढ़ाओ, मैंने मना कर दिया तो साले भूत की तरह पीछे पड़ गए। अबे ओ राम मनोहर त्रिपाठी के बच्चे, तो स्मगलिंग का धंधा करने लगा? करने लायक और कोई काम भी नहीं। मेरी बात मानो तो ये रिक्शा छोड़ो, मेरे साथ चलो मेरे बॉस के पास, और तुम रघु रिक्शा वाला से रघु सोना वाला बन जाओगे। रघु सोने वाले के बच्चे राम मनोहर त्रिपाठी की औलाद, दोस्त समझ कर पहली बार तुझे माफ कर देता हूँ। अगर दोबारा कोई ऐसी बात की ना मुझसे तो तुझे पुलिस के हवाले में खुद कर दूंगा, समझा? फुट यार फुट। अच्छी बात है मेरे बाप, अगर इरादा बदल जाए या मेरी जरूरत पड़े तो मेरे नए पते पे आ जाना, 21C Palace जुहू। मेरी दोस्ती में फायदा ही फायदा है, याद रखना। जाना। अरे सर्वश्री रघुनाथ जी। हाँ वकील साहब। क्या बात है यार, आज बहुत चमक रही हो। आज मैं अपना पहला केस जीत कर आई हूँ श्रीमान, और सेशन जज मिस्टर कृपाल सिंह ने मेरी इतनी तारीफ की कि सारे सीनियर वकील मेरे तरफ देखते रह गए। लेकिन सच पूछो तो जीत पर भी कुछ खास मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि घर का केस तो हारे बैठे हूँ ना। घर का केस? घर का कौन सा केस? आज जब सारे बार काउंसिल मुझे कांग्रेचुलेट कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं उस रिक्शा पर बैठकर अदालत आई हूँ जिसे मेरे पति चला रहे थे, और मैं इस दुनिया के सामने उसे पति नहीं कह सकती। अरे जान, मुझे को रिक्शा चलाने का शौक थोड़ी है। तुम तो जानती हो कि नौकरी के लिए अप्लाई करने के मामले में मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरे पास असली क्वालिफिकेशन नहीं है ना, सिर्फ एमए पास हूँ फर्स्ट क्लास। सो व्हाट, जहां जाता हूँ लोग कहते हैं किसी के रिश्तेदार हो, किसी मंत्री की सिफारिश लेकर आया हो। मैं कहता हूँ नहीं साहब, लेकिन मेरी डिग्री देखो ना। कहते हैं डिग्री का क्या करना है, ना तुम किसी के रिश्तेदार हो ना ही किसी की सिफारिश लेकर आया हो, तो फिर खामो का टाइम बर्बाद करने क्यों चले आए? सीधी सी बात, अपने दिल में इतनी कड़वाहट ना भरो जान, यही अन्याय तो हमारे समाज की आधारशिला है। देखो जान, जिस दिन तुम्हारे इस जान को गुस्सा आ गया ना, मैं समाज की ऐसी तैसी कर दूंगा। ऐसी तैसी नहीं की जाती, समाज को बदला जाता है। अच्छा थोक डालो कड़वाहट को, आज रात हम कहीं बाहर चलेंगे। आज नहीं। क्यों? आज कमाई बहुत थोड़ी हुई। तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। नहीं जान, नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं पत्नी को पांव की जूती नहीं समझता, और ना ही मैं औरतों के काम करने के खिलाफ हूँ। लेकिन हजारों बरस पुराने संस्कारों का क्या करूं, अभी सिर्फ हमारी सोच आजाद हुई है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व अभी तक संस्कारों के अधीन है। अगर मुझे एमए की डिग्री गाली नहीं लगती, अगर मुझे समाज में वो जगह मिल जाती जिस पर मेरा अधिकार है, तो मैं तुम्हारे पैसों से कतई नहीं छीनता। लेकिन आज तुम्हारी कमाई का एक एक पैसा मुझे और मेरे अहम को चढ़ाता रहता है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, प्लीज। भाभी भाभी मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मुंगीलाल, तुझे 4 फुट 5 इंच की भाभी दिखाई देगी, ये 6 फुट 2 इंच का बड़ा भाई दिखाई नहीं दिया? सॉरी भैया, भूख लगी है भैया। और बहुत बहुत भूख लगी है मेरे भाई, जल्दी कुछ किया जाए। हाँ आप लोग 10 मिनट बैठिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी आप बाहर का खाना भूल जाएंगे। ऐसा ऐसा। आओ जानी आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अरे भाई क्यों लड़कियों को छेड़ते हो? तो क्या मैं तुम्हें छेड़ू मेरी छंबर छल्लो? अच्छा तुम मुझे छेड़ोगे? बड़ी खुशी से मेरी जानी। कब छेड़ोगे राजा? अभी मेरी जान, आजा पीछे बैठ जा, तुझे अभी आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। आजा तू भी आ जा। धूल झाड़ दो।
सॉरी की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मेरी कटी फटी शक्ल है ना, इतनी घटिया है कि आपने मुझे ड्राइवर समझा। कई लोग तो मुझे मेम साहब का नौकर तक समझ लेते हैं। कोई बात, आइए देवी जी, चलिए। ये लो, गरम गरम चाय पियो और गुस्सा ठंडा करो। मैंने उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना कि उसने मुझे ड्राइवर कहा। ड्राइवर तो मैं हूं ही, लेकिन उसकी आवाज में जो कंटेम्प्ट था, वो एक तेज धार वाली छुरी की तरह मेरे दिल को चीर गया। देखो जान, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां गरीब आदमी की ना तो कोई पहचान है और ना ही इज्जत। अगर अभी मैं एक लंबी कार ड्राइव करता वहां पहुंचू तो वही दुकान के बाहर तक मेरा स्वागत करेगा। इस दुनिया में अगर इज्जत है तो सिर्फ पैसे की। पैसा चाहे गोरा हो चाहे काला। अगर आज मैं सुनील की बर्थडे पार्टी में किसी मंत्री को बुलाऊं तो मंत्री तो दूर उसका चपरासी तक नहीं आएगा। लेकिन मैंने स्मगलर के बेटे बेटी की शादी में मंत्रियों की तस्वीरें देखी। क्या बात करते हो, अगर कोई मिनिस्टर किसी स्मगलर के घर चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि स्मगलर शरीफ आदमी हो गया। और क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि वो मिनिस्टर भी शरीफ आदमी नहीं है। देखो मेरी साड़ी खराब कर दी। अरे गोली मारो इस साड़ी को, जाकर वो नई वाली साड़ी पहन। वो नई वाली साड़ी भला इस साड़ी का मुकाबला कर सकती है? आपको पता है मेरे पति ने अपनी पहली कमाई से ये साड़ी खरीद कर दी थी। इसमें आपके प्यार की खुशबू है। हाय जान, ये गरीबी प्यार का मजा ही खराब कर देती है। तुम तो बहुत पूजा वूजा करती हो ना जान, तो किसी ने अपनी लक्ष्मी देवी से कहो ना, तो उन्होंने आजकल कैसे कैसे लोगों के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। तुम कहो तो उन घरों से जाकर लक्ष्मी देवी को वापस बुला कर ले आओ। खबरदार जो उधर का रुख भी किया तुम। तो क्या करोगी? क्या करूंगी बोलू? चाय नहीं पिलाऊंगी। Bye.
जय बोलो हनुमान की, जल्दी से आओ मुंह मीठा कर लो। ये मिठाई किस खुशी में, कई नौकरी मिल गई है? नौकरी नहीं, प्रमोशन। प्रमोशन? हाँ, पहले खाओ तो सही, फिर पूछते रहना। अब तो बताओ। हाँ, बात ये है कि ये मुंगीलाल जो है ना, तो ये चाचा बनने वाला है। जी हाँ, वो ऐसा कि आप माँ बनने वाली है, मैं बाप बनने वाला हूँ, और डॉक्टर ने ये राज मुझे बता दिया, और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब आकर जल्दी से गले लग जाओ। अरे वो जानकी, जय बोलो हनुमान की। अरे तुम्हें सब करने कोई जरूरत नहीं है भाई, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा, चलो अंदर चल के आराम करो। चलो, अगर मैं आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? घर का काम करने के लिए तुम्हारा इकलौता और चहेता पति जो है, तुम सिर्फ आराम करो, बाकी का मैं कैसे करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। जान जय बोलो हनुमान की। जल्दी से ले आए तो बेहतर होगा, लेकिन जल्दी कीजिएगा वरना खतरा बढ़ जाएगा। जी, 250 रुपए। क्या 250 रुपए? सर, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, अगर ये दवाई उसे न मिली तो। दवा देने से मैं कब इनकार कर रहा हूँ, काम दो और दवा ले लो। भाई साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ही खराब है, अगर ये दवाई उसे वक्त पर ना मिली तो। दवा की दुकान पर लोग तभी आते हैं जब कोई बीमार पड़ता है। सॉरी, मैं उधार नहीं दूंगा। भाई साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ही खराब है। देखो मिस्टर, तुम्हारी वाइफ जिए या मरे, मैं उधार नहीं दूंगा, समझे? चले आते हैं फोकट में दवाई लेने। अरे रघु, तुम
यार मैं ईमानदार लोग तो छोटी मोटी मुसीबत में फंस ही नहीं सकते यार, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत या ये कहो कि मुसीबतों की माँ तो खुद ईमानदारी है। तुमने तो एमए पास करके रिक्शा चला के क्या भारतीय पुरुष की तरह ईमानदारी का हाथ पकड़ा है, साला छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। अरे भाई मैं बड़ा ही अपसेट हूँ, तेरी भाभी की तबीयत बहुत ही खराब है, उसके लिए मुझे दवाइयां खरीदनी है। ओह आई एम सो सॉरी, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, मेडिकल शॉप पे जाना। गया था, मेहनत है भी की, मगर उसने उधार दवा देने से इनकार कर दिया। अरे यार ऐसा बोलना, लेकिन मेरे पास तो ईमानदारी का पैसा नहीं है, नंबर दो का है। देख तेरी भाभी की जान नंबर दो की नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, जल्दी कीजिए ये लीजिए दवाइयाँ। गुड, अब तुम्हारी घरवाली बच जाएगी, लेकिन अफसोस अब उसे बच्चा नहीं हो सकता। घरवाली तो बच जाएगी ना डॉक्टर साहिबा, मेरे लिए ही बहुत है, बच्चे का क्या है, बहुत से लोगों को तो औलाद ही नहीं होती, और फिर भगवान ने तो मुझे एक बेटा समान भाई पहले से ही दे रखा है। लीजिए डॉक्टर साहिबा। जानकी, 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 ये लो, पी लो। जी नहीं करता। सुनो, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? एक तरफ भगवान ने हमें बेऔलाद कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमारा बेटा समान छोटा भाई सुनील तो है। चलो हम उसी के सहारे जी लेंगे। पी लो। भाभी भाभी प्रावर रिपोर्ट सेंड कर दीजिए। वेरी गुड, फर्स्ट रैंक। भाभी कल हम नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं ना? हाँ, तो मैं अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाऊं? जरूर, ये लो। स्कूल का टाइम हो गया है, चलिए स्कूल जाइए। नमस्कार रघुनाथ बाबू। आइए मुंशी जी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटी। देखो तंत्र राज मिश्रा जी की बेटी भी आ गई तैयार होके, तुम लोगों के स्कूल जाने का वक्त हो गया है, फौरन निकलो। चलो रश्मि। सच कहता हूँ साहब, आप तो तकदीर लिखवा कर लाए हैं, बिना हाथ पैर हिला ही सब कुछ मिल जाता है। जुबान बहुत लंबी हो गई आपकी तंत्रनाथ मिश्रा जी, अपनी औकात पर। नमस्ते मैडम। नमस्ते मुंशी जी, चंद्रमुख के वर्सेस कालीचरण के फाइल रखे हैं ना? ये भी कोई पूछने की बात है? उस केस की तो आज तारीख है, वैसे मैं घर से हर फाइल लेकर निकलता हूँ। अच्छा रखो, तुम्हारे क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अरे यार तुम यहाँ बैठे हो तो आपको भी मेरा इस तरह से घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, आइए। आज घर का रास्ता कैसे भूल पड़े? यार भूला नहीं, सुबह से तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ, रिक्शे के हर अड्डे पे तुम्हें ढूंढा, जब कहीं नजर नहीं आए तो यहाँ चला आया। आज काम पर नहीं गए? नहीं काम पे नहीं गया, मगर तुम्हें क्या काम है बोलो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? कैसी मदद? देखो रघु, दोस्ती दोस्त के काम आता है, उस दिन तुम परेशान थे तो मैंने तुम्हारी मदद की, आज मैं मुश्किल में हूं और तुम उसे आसान कर सकते हो। यार अगर ऐसी बात है तो बोलो, जान हासिल है। अरे यार जान नहीं चाहिए, ये बैग इस पते पे पहुंचा देना, बड़ी मेहरबानी होगी। मगर भाई इस बैग में है क्या? अरे यार मुझ पर विश्वास करो, और यार जब मदद करते हैं इस तरह सवाल जवाब नहीं करते। अरे भाई इसमें इतना टची होने की क्या जरूरत है? ठीक है पहुंचा दो। hmm.
रास्ता क्यों रोका हुआ तुम लोगों ने? अरे बैग डाला पहले। माल? ओहो माल चाहिए हाँ, शाबाश। तू तेरे बाप का माल है तो दे दूँ। अरे माल निकाल माल। अरे भाई चल दूर हट, मैं इनकी तरफ भगवे को माल बाप के हाथ में जमीन से उठा कर दे। साल विदेशी टकला। हाय रब्बा। एक्सक्यूज मी मैडम, हमने थोड़ी पी रखी है। हाँ मगर तुम अब तक सोई नहीं। देखिए वकील साहब, हम आपके खतावार हैं, आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप हमारा इंतजार मत किया कीजिए। हम देर से आए, सवेरे आए, आते तो आपकी गोद में है ना, आपके कारखाने में। भाई हम तो सुरती पतंग की तरह है, कितना भी ऊंचा उड़ जाए उसकी डोर तो हमेशा आपके ही हाथ में रहती है। बहुत दुखी हो इस डोर से? नहीं भाई नहीं, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत डोर है, यूं समझो मेरे जीवन की डोर है। जिस दिन ये डोर टूट गई समझ लो मैं भी टूट गई। बहुत मीठा, एक बार और। मीठा खाना खाने के बाद ही खाया जाता है। खाना तो मैं खा चुका। दोस्त मिल गया था जो आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। कौन है वो दोस्त? अरे वो त्रिपाठी मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आज उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। आज के जमाने में ऐसे दोस्त कहाँ मिलते? कहाँ मिलते हैं? दावत भी खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं और नोट भी देते हैं। अरे भाई ये नोट उसने नहीं दिए हैं, ये तो मैंने रात भर के लिए मांगे हैं। क्यों? सिर्फ ये देखने के लिए कि जब माल जेब में हो तो नींद कैसे। अभी ये रुपए त्रिपाठी को दे दो। क्यों? मांगे की नींद सोने से क्या फायदा? हाँ मेहनत करते हो तो इतनी गहरी नींद सोते हो कि करवट तक नहीं लेते। तुम्हें इन नींद की गोलियों की जरूरत नहीं है। समझे? क्या समझे? यही कि तुम नहीं चाहती कि मेरे पास पैसा। अगर मेरे पास पैसे हो गए इसका मतलब है तुम्हारे इस घर में डिमोशन हो जाएगा। तुम्हारा वो मधुबनी वाला मुंशी जी, क्या नाम उसका? हाँ, तंत्रनाथ मिश्रा, वो मेरा अपमान नहीं कर सके। दुकानदार को तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैडम अपने ड्राइवर के लिए भी कुछ खरीद लीजिए। और तुम्हें उस दुकानदार को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये मेरा ड्राइवर नहीं हस्बैंड है। शाबाश, उस दुकानदार ने उस दिन घर वालों से जाकर कितनी तुम्हारी तारीफ की होगी कि भाई पत्नी हो तो जान की देवी एडवोकेट जैसी। भरी दुकान में बेझिझक कह दिया कि ये आदमी मेरा ड्राइवर नहीं है, हस्बैंड है। नमस्कार। ये तो सुना था कि शराब कड़वी होती है, पर ये नहीं पता था इतनी कड़वी होती है, पीने वाले की आवाज को भी कड़वा कर देती है। अरे तेरी तो, अरे बाप रे, ओ अरे बाप रे, क्या रे भाई, ओ हो हो हो, अरे बाप रे, ओ तेरा पानी पिला दे पानी। अरे बाप रे क्या हालत है, क्या हालत है। तौबा तौबा तौबा। तुम्हारी हालत बता रही है
कि आज तुम मुझे जरूर कोई खुशखबरी देने वाले हो। लगता है किसी को पकड़ने में आपने बहुत भाग दौड़ की है। बहुत भागा, बहुत भागा। कभी वो पीछे, कभी मैं आगे, कभी मैं पीछे, कभी वो पीछे, कभी मैं आ गया। मैं तो जानती थी कि अब तो तुम्हारा प्रमोशन जरूर होगा। अच्छा ये तो बताओ जी, कौन था वो? मेरा कुत्ता। तुम्हारा कुत्ता? अरे तो उसके पीछे भागने की क्या जरूरत थी? अरे जब हमारा ट्रेन किया हुआ पालतू कुत्ता हमारा ही डंडा लेकर भाग रहा था तो हम क्या करते? तुम्हारा कुत्ता तुम्हारा डंडा लेकर भाग रहा था और तुम उसे पकड़ नहीं पाए। अरे दो तीन बार। अरे जब अपने कुत्ता को पकड़ नहीं पाए तो जिंदगी में क्या खाक पकड़ पाओगे? अरे एक दिन आएगा हमारी। अरे छोड़ो छोड़ो, मैं तो जानती हूँ कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा। कुछ याद भी है, कल डॉग इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, उन्हें क्या दिखाओगे? अरे कल तो आने तो हम दिखा देंगे अपनी ट्रेनिंग वाले डंडे का कमाल। कौन रोकेगा ससुरा हमारी प्रमोशन? बात है राजा बाबू पहलवान, वो लटकाए क्यों बैठो भैया? बड़े चक्कर में फंस गया हूँ यार। क्या हो भैया? तुम्हारे हाथ जो बैग भेजा था ना, उसमें से माल कम निकला। क्या बात कर रहा है दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो मैं भी जानता हूँ मगर। अरे अगर मगर कुछ नहीं, तो सही सामान रखने में कुछ भूल हो गई होगी। अरे भैया वो कहावत नहीं सुनी, खेत खाए गधा और मार खाए चूल्हा। बॉस लोगों की गलती भी हमारे माथे पड़ती है। वो सोचता है कि सामान मैंने चुराया है। तेरा बॉस पहले नंबर का पागल है साला। कल चोरी का शक मुझ पे भी आ सकता है ना, क्योंकि सामान तो मैंने दिया था। एक काम कर, मैं तेरे साथ चलता हूँ। बोल कहाँ चलना और कब चलना, बोल। किसी न किसी ने तो चोरी की है। बदमाश क्या हवा खा गई? मुझे सिर्फ मनोहर पर ही नहीं दूसरों पर भी शक है, और जब तक उसकी चोर का पता नहीं चल जाता मुझे हर आदमी पर शक रहेगा। तुम लोगों की खोजबीन का क्या नतीजा निकला? हाय डैड। हाय। आओ बेटे आओ, कुछ पता चला? डैड मेरे ख्याल में ये मनोहर की हरकत है। तुम लोग जाओ। ओके बॉस। तुम्हारा ख्याल गलत भी हो सकता है बेटे, क्योंकि मनोहर इतना बेवकूफ नहीं है कि जो माल उसे डिलीवर करने के लिए सौंप दिया गया हो उसी में से चोरी करके अपनी जान का दुश्मन बने। तो क्या मैंने चोरी की है? शाबाश शाबाश, गुड थिंकिंग। देखो बेटे, मैंने खुद माल तुम्हें दिया, तुमने वही माल मनोहर को दिया, इसलिए चोरी उसने नहीं की, तुमने की है। Am I right? शाबाश शाबाश, यही तो परेशानी है। लेकिन सब जानते हैं कि चोरी हुई है, किसी न किसी को तो मौत की सजा देनी ही पड़ेगी, वरना लोग समझेंगे कि हम टीले पड़ गए हैं।
वो आदमी कौन है? मेरा दोस्त रघुनाथ। रघुनाथ उसका नाम है। रिक्शा चलाता है, हफ्ता तो देता नहीं, ऊपर से मारपीट करता है। तो वो रिक्शा वाला चोरी में तुम्हारा पार्टनर है? देखो सेठ, माल गिनकर तुमने हमको दिया, वही माल की डिलीवरी रघु ने दी। वो बहुत ईमानदार आदमी है। हाँ हाँ, तुम ईमानदार हो, वो ईमानदार है, इसके मतलब चोर मैं हूँ। देखो मनोहर, तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलती मान लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ए सेठ, हमको खाली पीली धमकी नहीं देने का, हम जाकर बड़े सेठ से बात करेगा। हाँ, पकड़ो इसको। योर ऑनर, मुलजिम सुरेंद्र लाल इस शहर के नहीं बल्कि देश के बाइज़त बिजनेसमैन दर्शन लाल का बेटा है। अपने बाप के पोजीशन और रुतबे का नाजायज फायदा उठाते हुए स्मगलिंग और गैर कानूनी वसूली के काम कर रहा था। इसने सोचा कि अपने बाप की हिफाजत और उसके साये में रहते हुए इस देश के कानून को अपनी जेब में डालकर कोई भी गुनाह कर सकता है, यहां तक कि कत्ल भी। योर ऑनर, सरकार गवाहों से यह साबित करेगी कि सुरेंद्र लाल ने ही राम मनोहर का कत्ल किया और रंगे हाथों पकड़ा गया, और यह साबित करने के बाद सरकार मुलजिम के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी, ताकि ऐसे दूसरे सुरेंद्र लाल ऐसा सोचने की कभी जरूरत ना कर सके। That's all, Your Honor. I object, Your Honor. Objection sustained. You can proceed. सरकारी वकील ने ठोस सबूत और गवाहों को अदालत में पेश किए बगैर ही एक शरीफ और इज्जतदार इंसान को ना ही सिर्फ कातिल करार दिया है, बल्कि उसके लिए कड़ी सजा की मांग भी की है, जो कानून में गलत है। सरकारी वकील का काम मुजरिम के जुर्म को साबित करना है और उसको सजा देना अदालत का काम है। That's all, Your Honor. The court is adjourned till tomorrow 10:30. वकील साहब घर पर हैं? जी, आप उनसे जाकर कहो कि दर्शन साहब आए हैं। जी अच्छा। नमस्कार वकील साहब। नमस्ते। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? तकलीफ कैसी? मैं तो यहाँ अपने बेटे की भूल का प्रायश्चित करने आया हूँ, आपकी मदद मांगने आया हूँ, अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आया हूँ। मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फैसला कोर्ट और जज के हाथ में है। वो तो ठीक है जानकी देवी, लेकिन मेरे बेटे के जुर्म को साबित करना या ना करना तो आपके हाथों में है। जज तो अपना फैसला अदालत में हुई बहस के मुताबिक देता है। आप अपने सबूत और गवाहों के जरिए मेरे बेटे को कातिल साबित करने की बजाय उसे बेगुनाह साबित कर सकती हैं। अगर आप ऐसा करते जानकी देवी जी, तो ये नाचीज न सिर्फ सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहेगा, बल्कि आपके लिए तरक्की के रास्ते भी खोल देगा। आप सरकारी वकील से जज और जज से चीफ जस्टिस भी बन सकती है, और आपको किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होने देगा। कितना पेश करो? आप अपने रुतबे और पैसे की ताकत से मुझे खरीदने आए हैं? नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आया हूँ। कहिए 1 लाख 2 लाख? आप 10 लाख तक पहुँच जाए तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 15 लाख? देखिए, ना तो मैं बिकाऊ हूँ, ना ही इस देश का कानून। नाउ यू कैन गो। जानकी देवी जी, जानकी देवी जी, अगर मेरे बेटे को फांसी देने से उस मनोहर को दोबारा जिंदगी मिल सकती है, तो फिर सुरेंद्र तो क्या, मैं भी फांसी चढ़ने को तैयार हूँ। देखिए, आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रही हैं। जानकी देवी, आप एक मजबूर बाप के दिल के रोने की पुकार सुनिए। जरा सोचिए, अगर मेरे बेटे को सजा हो गई तो उस बेचारी मासूम लड़की का क्या होगा, जिसकी शादी अगले महीने मेरे बेटे से होने वाली है। वो तो रो रो कर अपनी जान दे देगी, और दुनिया वाले उसे कहेंगे कि डान शादी से पहले ही अपने खावत को खा गई। मैं अपने होने वाली बहू की जिंदगी की भीख आपसे मांगता हूँ, 20 लाख ले लीजिए। मिस्टर दर्शन लाल, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए।
वरना मैं पुलिस को बुलवाकर रिश्वत देने के जुर्म में मैं आपको जेल भेज दूंगी। ऐसे गेट आउट। शाबाश शाबाश। जानकी देवी, मेरी भी थोड़ी बहुत पहचान है। अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरे पास और भी रास्ते हैं, लेकिन आपको आपका इनकार बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसे गेट आउट एंड गेट आउट। रुकना। प्रोसीड मिसेज राय। योर ऑनर, इस केस में सरकार के पहले गवाह श्री रघुनाथ प्रसाद राय हैं, उन्हें बुला दीजिए। रघुनाथ राय हाजिर हो, रघुनाथ राय हाजिर हो, रघुनाथ राय हाजिर हो। आपका नाम क्या है? तुम्हें मेरा नाम नहीं मालूम है? जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। अरे, आपका नाम क्या है? रघुनाथ प्रसाद राय। क्या काम करते हैं? जी पहले रिक्शा चलाता था, आजकल बेकार हूँ आपकी दया से। 12 मार्च की शाम आपको याद है? जी हम तो कोई बात भूलते ही नहीं, यही खराबी है। गुड, तो फिर उस कत्ल के चश्मदीद कहानी सुनाइए जो आपके सामने हुआ था। कौन सा कत्ल? कैसा कत्ल? मिस्टर रघुनाथ राय। वकील साहिबा, हम कसम खा चुके हैं कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो आपका ये केस जिताने के लिए हम झूठ कैसे बोल देंगे? पहले ये बताइए कत्ल हुआ किसका? हमें कुछ पता होगा तब ना हम कुछ बताएंगे। कत्ल हुआ आपका दोस्त राम मनोहर त्रिपाठी, और कत्ल किया इस आदमी ने, इसने। हमने तो आज से पहले इस आदमी को कभी देखा तक नहीं। जस्ट ए मिनट में सर, आए आप यहां आए क्यों? जी हमें पुलिस ने जबरदस्ती बुलवाया था। क्यों? अदालत में बयान देने के लिए कि हम मनोहर त्रिपाठी के कत्ल के चश्मदीद गवाह हैं। योर नेक्स्ट विटनेस मिसेस राय। योर ऑनर, सरकारी गवाह के होस्टेल हो जाने की वजह से केस में नए कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गए हैं, इसलिए मैं केस को मुलतवी करने की प्रार्थना करती हूँ। मुझे इस बात पर एतराज है योर ऑनर, सरकार के पास सिर्फ एक ही गवाह था जो टूट चुका है। इसका मतलब है कि सुरेंद्रलाल के खिलाफ कोई केस ही नहीं है। इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि सुरेंद्रलाल का केस डिसमिस किया जाए और उसकी बाइज्जत रिहाई का ऑर्डर पास किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, केस अभी खत्म नहीं हुआ, मैं गवाह से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर रघुनाथ प्रसाद राय, फिर आ गए, कहिए। आप 12 मार्च को कहां थे? जी मैं मयूरी नाइट क्लब में बेवड़ा पीने गया था, खाना खाने गया था। वहां आप किसके साथ गए थे? अरे किसके साथ जाएंगे भैया, अकेला गया था। मक्तूल राम मनोहर का आप जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जानता जी। कत्ल होने के बाद आप क्लब में थे? जी नहीं, हम खाना खा के सीधे घर लौट आए। कैसे लौटे? टैक्सी में या पैदल चलकर? मोटरसाइकिल से। आपका था? नहीं जी, मेरे दोस्त राम मनोहर त्रिपाठी का। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। नोट? लेकिन क्यों? मिस्टर रघुनाथ राय, बापे तो पीछे ही पड़ गई। आपके बयान से ये साफ जाहिर होता है कि आप अच्छी तरह मुलजिम को जानते हैं और उसकी जान बचाने के लिए आपने झूठ बोला। मैं कुछ नहीं जानता। क्या आप जानते हैं मुलजिम ने कत्ल किया? मैं कुछ नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि कत्ल होने के बाद पुलिस आई थी? मैं कुछ नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि आप शादीशुदा हैं? कुछ नहीं जानता। नहीं जानती? मैं जानता हूँ, जानता हूँ। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। योर ऑनर, लगता है गवाह अदालत में मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता सिर्फ ये कहने के लिए आया है। जिस तरीके से ये सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है उससे ये लगता है कि इसी ने राम मनोहर का कत्ल किया है। मैंने? अरे कत्ल मैंने नहीं किया है, कत्ल मेरी आंखों के सामने इसने किया है, राम मनोहर त्रिपाठी का, मेरी आंखों के सामने। मैं सच्चाई को ज्यादा देर तक अपने सीने में दबा के नहीं रह सकता। मैं अपनी झूठी गवाही से इस गुनाहगार को सदा से नहीं बचाना चाहता। मैंने झूठा बयान सिर्फ बचाव पक्ष के वकील के कहने पे दिया था। मैं शर्मिंदा हूं जज साहब, मैं माफी चाहता हूं।
अपना जमीर बेच दिया और अदालत में झूठ बोला, इसलिए मैं रघुनाथ राय से ज्यादा गुनाहगार दर्शनलाल को मानती हूँ, जिसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए रघुनाथ राय की किसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे खरीद लिया और अदालत में झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया। That's all, Your Honor. सरकारी गवाह का दूसरा बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट टैली होती है, इसलिए कोर्ट सुरेंद्र लाल को आईपीसी 302 के तहत सजाए मौत देती है। और रघुनाथ को वार्न करती है कि अगर दोबारा ऐसी गलती की तो कोर्ट उन्हें माफ नहीं करेगी। कुछ कहावतें ऐसी होती है कानू, हमेशा अपनी जेब में रखनी चाहिए। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जब कीचड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन रघुनाथ राय की मौत आई है तो सीधा दर्शनलाल की तरफ भागा है। आओ रघुनाथ, आओ सेठ साहब। मैं माफी चाहता हूं सेठ साहब, मैं आपके बेटे को फांसी से नहीं बचा सका। आपसे मैंने रुपए तो ले लिए, लेकिन मेरी आत्मा, मेरे जमीर ने मुझे झूठी गवाही देने की इजाजत नहीं दी, इसलिए मैं आपके पैसे लौटाने आया। रख लीजिए इसे। शाबाश, शाबाश। ये दुनिया भले है एक ईमानदार आदमी की कदर न करे, लेकिन लेकिन मैं ईमानदार आदमी को दोनों हाथों से पकड़ लेता हूं। बेटे के मरने के बाद मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूं रघुनाथ। अब मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है रघुनाथ। क्या ख्याल है, मिलाते हो? अरे भी तुम पढ़े लिखे आदमी हो, मैं तुम्हें मलामाल कर दूंगा। हो सके तो आज चांद निकले तो घर आ जाना, आज करवा चौथ है। क्या मेरे लिए व्रत रखोगी, मुझ जैसे पति के लिए? व्रत का संबंध मेरे तुम्हारे रिश्ते से है, पेशे से नहीं। आएंगे ना? Just
हरियाणा से एक मामूली मुंशी की बेटी वकील बनी है। आज ये पहली बार कोर्ट जा रही है, इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए। मिस्टर फ्लैग, थैंक यू। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यू रोना, मुलजिम सहदेव बाबू भेड़ की खाल में एक भेड़िया है। एक मिनिस्टर का बेटा होने के नाते इसने अपनी पोजीशन का नाजायज तौर पर फायदा उठाया है। गरीबों और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने वाली चीजों को इसने ब्लैक मार्केट में बेचकर लाखों रुपए कमाए हैं। देश के कायदे कानून को बच्चों का खिलौना समझकर उनसे खेला है। ईमानदार सरकारी अफसरों को अपनी उंगली पर नचाया है। अपनी पोजीशन और ताकत बनाए रखने के लिए मुलजिम ने रामपुर में कौमी दंगे कराए, जिनमें 20 बेगुनाह लोगों का और 4 पुलिस अफसरों का खून बहा। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ, ये सब नजर में रखते हुए मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये अदालत वकील इस्तगासा से पूरी तरह सहमत है। न सिर्फ मुलजिम सहदेव बाबू ने सरकार को धोखा दिया है, बल्कि जनता को भी लूटा है। और चूंकि इस पर लगाए गए सब इल्जाम साबित हो चुके हैं, इसलिए अदालत मुलजिम सहदेव बाबू को 7 साल की सख्त सजा देती है। मुबारक हो रश्मि। थैंक यू बाबा, मैं ये केस जीत गई हूँ। बेटी, भगवान की दया और जानकी देवी के आशीर्वाद से तुम्हारी जीत निश्चित थी। आंटी, पहली जीत मुबारक हो रश्मि। थैंक यू आंटी। आंटी, वो सुनील नहीं आया, लगता है वो मेरी जीत में शामिल नहीं होना चाहता। अभी तो पुलिस ऑफिसर बन गए ना, कहीं काम में फंस गया होगा। उनको हवालात में। हवलदार आया जी। हथकड़ी लगा दो। लगा दीजिए हथकड़ी। 20 साल की पुलिस की नौकरी में आज तक एक भी मुजरिम नहीं पकड़ पाए, पर इतनी तक्कल रखो कि हथकड़ी किसे पहनानी चाहिए। कमान जी। अरे बैठ, चल बैठ। अरे चल तू अही रावण, हवालात में निपटता हूँ। भाभी, क्या भैया को याद करना नहीं छोड़ेंगी? चलो खाना खा लो। नहीं भाभी, खाना नहीं खाऊंगा। क्यों, खा के आए हो? जी नहीं, पर आप
तो जानती हैं आपको इस हाल में देखकर मेरी भूख मर जाती है। क्या वो तुम्हें याद नहीं आते? आते हैं, पर मैं उन्हें अपने जहन से बाहर निकालकर अपने दिल का दरवाजा बंद कर लेता हूं। सुने, अपने भैया के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? कानून की सजा से तो वो मरकर बच गए, लेकिन वो हम दोनों के मुजरिम भी हैं। मेरा बचपन स्कूल में नाबाजों के चाबुक खाता रहा कि वो देखो रघुनाथ खूनी का भाई। सुनील, ये तो आपके व्यक्तित्व की शक्ति थी भाभी जिसने मुझे बचा लिया, वरना शायद आज मैं भी उनकी तरह एक मुजरिम बन गया होता। सुनील, नहीं भाभी नहीं, मैं आप पर उस खूनी की यादों का मैला साया नहीं देख सकता। इस थप्पड़ पर तो हर बेटे का अधिकार होता है। आज आपके प्यार की गंगा में नहाकर मैं धन्य हो गया। मुझे मेरी मां याद नहीं, मैंने तो सदा आप ही में अपनी मां का रूप देखा है। जो आपसे भाभी होती तो शायद मैं भैया को माफ कर देता, लेकिन जिस आदमी ने मेरी मां को दुख पहुंचाया उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। क्यों ना कहूं ऐसा? जब तक वो जिंदा थे उन्होंने आपको कोई सुख नहीं दिया, और अब मरने के इतने बरस बाद भी उनकी आत्मा, उनकी याद प्रेत बनकर आपसे चिमटी हुई है। एक दिन जीवन की कक्षी खोलकर देखिए कि उन्होंने क्या दिया आपको। दुखों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं? क्या दिया? क्या दिया आपको? प्यार दिया, मेरी कलाइयों को चूड़िया दी, मेरे माथे को बिंदिया दी, मेरी मां को सिंदूर दिया, मेरी मजबूरी समझो सुनील, मैं बंधेरों में बंधी हुई हूं। तो गीता पढ़कर इन जंजीरों को तोड़ दो। गीता का संदेश मां और पत्नियों के लिए नहीं था। गांधारी कुंती द्रौपदी, किसी ने उन जंजीरों को नहीं तोड़ा। श्री कृष्ण ने उनमें से किसी को नहीं कहा था कि उन जंजीरों को तोड़कर मुक्त हो जाओ। आज तेरे भैया जिंदा होते, सोना टूटने पे सोना कर गए थे, सोना मिला ना पे मिले रुपा हो गए केस। भाभी, उन्हें भूल मत सुनील, न लड़ो उनकी यादों से ये सीखने की कोशिश करो, अगर उन जैसे मजबूत आदमी भटक सकते हैं तो ना भटकना कितना मुश्किल काम है। इम्तिहान से भाग मत, इम्तिहान दे। हाँ सुनील, इम्तिहान दे। मैं क्या कोई पागल हूँ कि खामखा सींग मारता फिरता हूँ लोगों को? अरे बस रहने दो, तुम पुलिस वाले तो छोटे सांझ हो रहे हो, सींग मारते फिरते हो, पतले कोई और करता है, सजा किसी और को दिलवा देते हो। और तुम वकील लोग क्या करते हो? बेच खाते हो अपने क्लाइंट को। कोई गरीब आदमी बेचारा मुकदमा लड़ने की तो सोच ही नहीं सकता। मजिस्ट्रेट के लिए पैसे लेते हो और खुद डकार जाते हो। डकार जाते हैं, शर्म नहीं आते वकीलों के लिए ऐसे बेतुकी उड़ाते हुए? अरे हम लोगों ने आज तक समाज को डूबने से बचा रखा था जनाब, वरना आप पुलिस वाले तो कब का चट कर चुके होते। तुम अपनी बात तो करो मत। क्यों ना करूं? तुम तो परले दर्जे की चोटी हो। क्या क्या कहा? कसम खा के कह दो कि तुमने मेरा दिल नहीं चुराया, और जब मैं कहता हूँ लेडी मेरा दिल वापस कर दो तो आना कानी कर जाती हो। याद नहीं कहा रखता है, कल ले लेना, परसों ले लेना। बट ये क्या हो रहा है? हाँ वो बताओ ना कहाँ गए। हाँ शर्मा क्यों रही, बताओ ना भाभी को कि पुलिस वाले खाना तो खाते नहीं, बस रिश्वत खाते हैं दोनों वक्त, यही कह रही थी। और तुमने जो वकीलों के लिए कहा वो कुछ नहीं है क्या? कहना किसने शुरू किया था? भाभी इसी ने कहना शुरू किया था। हर पेशे में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं भाभी। मगर नहीं, ऑब्जेक्शन इज ओवर। थैंक यू योर ऑनर। अब ये अदालत फैसला करती है कि शाम की चाय पी ली जाए। आप आते ही किचन में क्यों घुस जाती हैं? आपकी नौकरानी तो सिर्फ मटर गश्ती करती रहती है। ये लाड सब तब तक निवाला नहीं तोड़ते जब तक मैं खाना ना बनाऊं। ये तो क्लियर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट हो गई। योर ऑनर, क्या करूं, कंटेंप्ट ऑफ ममता नहीं कर सकती ना। तुम आ जाओ तो इस चूल्हे चिक्के से पीछा छूट जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट आपसे बहुत खुश है, और इसलिए मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। सर,
स्मगलर्स के गैंग ने हमारे देश में बड़ी हलचल मचा रखी है और आज वो बड़े पैमाने पर ड्रग्स स्मगल कर रहे हैं। उनका हेडक्वार्टर हमारे प्रदेश की सीमा में ही है। ये फाइल पढ़ लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उन स्मगलर्स को कानून के हवाले कर दीजिए। I'll try my best. I wish you all the best. खाना टेबल पे लगा दो बीबी जी। नहीं, सुनील के बगैर खाने को जी नहीं करता, उसे आने दो। अरे ये बरसों बाद भाभी का पाँव कैसे अटक गया? आज कोई ना कोई मतलब जरूर होगा बीबी जी। ए, तो चुप रह, बीबी जी की चमची कहीं की। अच्छा ये बता क्या चाहिए? आशीर्वाद। आशीर्वाद क्यों? बड़े बड़े धाकड़ और थासू ऑफिसर जिन स्मगलर्स पर हाथ नहीं डाल पाए उनकी गिरफ्तारी का पीड़ा मुझसे उठवा गया। अब इतना बड़ा काम भाभी आपके आशीर्वाद के बिना तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए फटाफट दो चार आशीर्वाद दिखाइए। ये सूटकेस क्यों पैक हो रहा है? क्योंकि मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होकर बाहर जा रहा हूँ। अच्छा इसका सूटकेस तू ही पैक कर दे, चेती तो आधी चीजें रखेगी आधी भूल जाएगी। जा। अच्छा वापस कब आओगे? अब ये तो स्मगलर्स पे डिपेंड करता है ना भाभी, कल पकड़ा गया तो परसों आ जाऊंगा। कुछ भी हो जल्दी आ जाना क्योंकि तेरे जाने से घर सुना सुना लगता है। जाके देखो वो ठीक से चीजें रखती या नहीं, बड़ी लापरवाह लड़की है। सेठ साहब किस पे इतना हंस रहे हैं? इस चूहे पर जो पुलिस की वर्दी पहन कर निकला है एक शेर का शिकार करने के लिए। लो तुम भी देख लो इसे। किसकी तस्वीर है? तुम्हारे भाई की, सुनील राय की। मेरे भाई की? जब ये छोटा था तो इतना सा था, आज ही इतना बड़ा हो गया और मैंने इसे बढ़ते हुए देखा भी नहीं। वक्त कैसे बीत जाता है सेठ साहब। और गौर से देखो रघुनाथ इसे, क्योंकि ये तुम्हें पकड़ने आ रहा है। जब ये इतना बड़ा हो गया सेठ साहब तो मेरी जान की तो सोना ढूंढन पी गए, सूना कर गए देश, सोना मिला न पी मिले, रूपा हो गए केस। शाबाश शाबाश। अरे भाई कमाल है, तुम अभी तक उसकी यादों को अपने सीने में समेटे हुए हो और वो शायद तुम्हें याद भी नहीं करती होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं सेठ साहब? मैं ठीक कह रहा हूं रघुनाथ, भूल गए वो दिन जिस दिन तुम्हारी नकली मौत हुई थी। तुमने खुद आकर मुझे बताया था और तुम्हारा बताया वह एक एक शब्द मेरे दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह खुद चुका है। उस रात को, रात के अंधेरे में जब तुम छुपते छुपाते अपने घर पहुंचे थे तो तुम्हारी बीवी जानकी देवी एडवोकेट कुछ पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। कभी नहीं भूलना, पल पल के लिए इसे याद रखना क्योंकि ये तुम्हारा और मेरा दुश्मन है और फिर इसे जान की देवी जज ने पाला है। जो कभी भी तुम्हें पिता समान भाई नहीं समझेगा उसके लिए तुम हमेशा सिर्फ एक क्रिमिनल रहोगे।
उफ, इस पैसे के लालच ने मुझे कितना अकेला कर दिया सेठ साहब। अरे भैया, भगवान का भी यही हाल है, वो भी तो अकेला ही है। जाकर जाने की तैयारी करो। जा, जा, जा। शबाश, शबाश, अब आएगा मजा। हाँ, आई आई आई। ये रहा मेरा हॉलिडे होम। ओ, तुम चाहो तो तुम भी यही ठहर जाओ। सर, ठहरने पर एक शेर याद आया। बोझा बनारसी को कहा, उसने रुक जरा, हम ठहरो ठहरो, मेरे बच्चा ठहर गया। बोझा बनारसी जी, तुम अपनी यह शेर सुना सुना के मुझे बोर ना क्या करो। ओके सर, पद्य ना सही गद्य सुन लीजिए। किसी ने कहा है, पुलिस के काम में एक से तीन भले। एक से तीन भले। आप जरा मेरी थानेदारनी को यहाँ बुलवा दीजिए ना। तुम्हारी थानेदारनी की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम कैसे आ गई? हवाई जहाज से। हवाई जहाज से वो तो ठीक है, मगर क्यों? ऑर्डर्स मिस्टर सुनील प्रसाद राय, एसपी। ऑर्डर्स? ऑर्डर्स? किसके ऑर्डर्स? होम गवर्नमेंट। आंटी ने कहा कि एसपी साहब अपना बटुआ भूल गए हैं। घूस तो खाते नहीं तो पेट पूजा कैसे करेंगे? इसलिए हवाई जहाज पकड़ा और आ गई। आप जरा ऐसे ही हंसते हंसते बोझा उठा के अंदर आ जाइए। यस सर। ये ड्राइवर भाई, पीछे आओ, सबका सामान। ये तो अच्छा किया तुम मुझसे पहले आ गए। खाने पीने का इंतजाम किया कि नहीं? हिंदुस्तान में आजादी के बाद भी औरत बेचारी रसोई में कैद है। फिर से आपको पता होना चाहिए, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। हाँ। तुम भी मेरे साथ रसोई में चलो, नहीं तो मैं कुछ नहीं पकाने वाली। मैं कुछ नहीं पकाऊंगी। आइए आइए बोझा बनारसी जी, बहुत वक्त पर आप अंदर आ गए। ये बोझा उतारी और भोजन बनाने किचन में चली। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, तुम चलो किचन में। अरे दोनों गए किचन में, अब क्या खाना बनेगा? अरे बोझा बनारसी, तुझे ढाबे में चल के खाना पड़े। चलो। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ रघु, आज शाम को रॉबर्ट रॉयल शेफ होटल खार में आने वाला है, उसे मिलने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि साइनर बहुत बड़ा है। ओके चला जाऊंगा। शाबाश शाबाश। Yeah.
थैंक यू। मैं फिर से तुम्हें कहता हूं कि मान जाओ तुमने अपने भाई की प्रमोशन के लिए मेरा माल पकड़वाया है। क्यों मान जाओ? मेरा जीवन आपकी ताश की गड्डी का हुक्म का गुलाम नहीं है कि आप जिस हाथ चाहे उस हाथ फेंक दें। यह सही है कि आज इस धंधे में मैं आपकी वजह से हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपका गुलाम हूं। यह तो मैं उस सड़े हुए और झूठे समाज से बदला ले रहा हूं जिसने मुझे इज्जत के साथ जीने का अधिकार नहीं दिया। इस कर्म क्षेत्र में एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ सुनील है। जिस तरह भीष्म अर्जुन को मारने के लिए तैयार नहीं था सेठ साहब, उसी तरह मैं सुनील को मारने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन जिस तरह भीष्म धृतराष्ट्र की सहायता के लिए वचनबद्ध था, उसी तरह मैं आपकी सहायता के लिए वचनबद्ध हूं। अगर सुनील की गोली आपकी तरफ आई तो उसे आगे बढ़कर मैं अपने सीने पर रोक लूंगा, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आप मुझ पर इल्जाम लगाएं, क्योंकि मैं इसका बुरा भी मान सकता हूं। उस दिन से डरिए सेठ साहब, जिस दिन मैं इन बातों का बुरा मानना शुरू कर दूंगा। शाबाश शाबाश। अरे भाई तुम तो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हो। अरे भाई 80 लाख के हीरे पकड़े गए हैं, 2 लाख की बात होती तो मैं सुटा जाता। इस बात का तो मुझे भी दुख है सेठ साहब। तो फिर कोई तरकीब सोचो ना। तुम तो जानते हो कि मेरा दिल कितना कमजोर है, मैं इतना बड़ा धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तरकीब है, वो तंत्रनाथ की बेटी है ना। अरे भाई क्या नाम है उसका, अच्छा वाला नाम है। अरे वही जिसका चक्कर सुनील के साथ है। हम एक काम करते हैं, हम उस लड़की को उठवा लेते हैं और फिर सुनील से कहते हैं हमारा माल वापस कर दो, हम तुम्हें तुम्हारे माल वापस कर देंगे। उस लड़की के लिए ऐसा मत कहो सेठ साहब। उस लड़की से मेरे भाई सुनील की शादी होने वाली है। शाबाश शाबाश। अरे भाई अभी भी तो तुम गोली को फेर देने की बात कर रहे थे और अब रिश्तेदारी की बात क्या दिलवा रहे हैं? हम उस लड़की को खा जाने वाले थोड़े हैं। बाल वापस मिलती उसे हम इज्जत से लौटा देंगे। नहीं हरगिज नहीं। इन्हीं लोगों ने ले लिया। भाई साहब हम तुमको भाई साहब लगते हैं, पुलिस की वर्दी पहन के चले आते। अरे हमारा नाम गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में पढ़ लेते, दुनिया के सबसे सीनियर कांस्टेबल आए, सैल्यूट करो। अरे कुछ और कह देते, इंस्पेक्टर कह देते, एसपी कह देते, कमिश्नर कह देते तो हमारी तबीयत खुश हो जाती। भाई साहब कहा, पागल कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा, मगर मुंह से जालिम के सही बात न निकली अब तक। छी छी छी, क्या बात है? आईजी साहब, मैं तो बस ये पूछ रहा था क्या रश्मि जी घर पे हैं? अरे भाई जब आईजी साहब कहा है तो 2-4 बातें और करो, मजा आएगा। नहीं वैसे रश्मि जी से क्या काम है? एएसपी साहब ने रश्मि जी के लिए फूल भेजे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई एक काम करो, खुद ही घंटी बजा कर दे आओ ना, कारण कि हम बहुत जल्दी वहाँ बहुत बिजी हैं। का एएसपी साहब ने भेजे? सुनील ने भेजे हैं। हेलो मिस्टर सुनील प्रसाद रॉय, एएसपी। दैट्स राइट स्पीकिंग, आप कौन? शाबाश शाबाश, मैं तो मैं ही हूं। फोन मैंने इसलिए आपको किया है कि अगर मुझे ढूंढना है तो अपनी रश्मि को मत ढूंढिएगा। कौन हो तुम? अगर आज शाम तक तुमने वो सूटकेस मुझे नहीं पहुंचाया तो रात तक तुम्हें रश्मि की लाश मिल जाएगी। ओ, तो इस घटियापन पर उतर आए तुम? आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। ओके, वो सूटकेस कहां पहुंचा? शाबाश शाबाश। एक गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी है जिसका नंबर है MRZ258। तुम्हारा वो गदा भोजा बनारसी सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी को स्टार्ट करेगा और फिर टेप रिकॉर्डर को ऑन करेगा। बाकी सब बातें उसे उस टेप के जरिए मालूम हो जाएंगी। लेकिन एक बात का खास तौर से ख्याल रखना, अगर जरा भी सियाना बनने की कोशिश की तुमने तो रश्मि की जान जाएगी। हाँ।
से सुनो, गाड़ी सीधी तरह से चलाते रहो और मोन्टियत कोर्ट चलो। वहां पहुंचते ही तुम्हें एक कार नंबर MRZ2535 मिलेगी। तुम सूटकेस लेकर उस कार में बैठ जाना, बाकी आगे की बातें तुम्हें उस कार के टेप रिकॉर्डर से मालूम होगी। चलो, तुम्हारी पिछली सीट पर एक वैसा ही सूटकेस रखा है जैसा तुम्हारे पास है। अपना सूटकेस वहां रखकर उस सूटकेस को उठा लेना और एम्बेसी टावर्स पहुंचकर तुम्हें वहां पर एक कार नंबर MRZ2593 मिलेगी। जो सूटकेस अब तुम्हारे पास है उसे लेकर उस कार में बैठ जाओ और अटलांटिक होटल चलो, वहां के रीगल स्वीट में रश्मि मिलेगी। रश्मि जी, माफ कीजिएगा, हम किसी गलत कमरे में आ गए शायद। ठीक रूम में आए हो, आओ ना। अरे क्या हुआ? अरे किस्मत की लगी मार हमने। बोझा बनारसी, ये शेर पढ़ने का वक्त नहीं है। रश्मि कहाँ है? अरे वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। ऊपर तो एक बाला हमारा बलात्कार करने को तैयार थी। अरे हम तो इज्जत बचाकर भागे, नहीं तो थानेदारनी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मतलब वो लोग हमें चकमा दे? बिल्कुल चकमा दे गए साहब। इस बैग को देखिए, बैग बदलने को कहा तो हमने बदल दिया। ये नकली है, कुछ नहीं खाली है। शाबाश शाबाश, खाली शाबाशी से काम नहीं चलेगा सेठ। मैंने तुम्हारी चीज तुम्हें वापस कर दी, अब मेरी चीज, मेरे खानदान की अमानत मुझे वापस कर दो। वो क्या है रघुनाथ के, मेरी चीज बोलती नहीं है लेकिन तुम्हारी चीज के मुंह में जबान है, हमें नुकसान पहुंचा सकती। ये बात रश्मि को उठवाने की हिम्मत करने से पहले सोचनी चाहिए थी सेठ। वो मेरे भाई की मंगेतर है, मेरे खानदान की होने वाली बहू है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो यहां तुम लोगों के बीच इस हाल में रहे। मैं हर हालत में, हर कीमत पे रश्मि को यहां से बाइज्जत ले जाऊं। आज पहली बार देख रहा हूं रघुनाथ के तुम ऊंची आवाज में मेरे सामने बोल रहे हो, लेकिन कान खोल कर सुन लो, रश्मि यहां से नहीं जाएगी। मैंने कहा ना, रश्मि हर कीमत पे जाएगी और मेरे साथ जाएगी। अगर हिम्मत है सेठ तो मुझे रोक के बता। नहीं, सांप को मारने के लिए उसके बिल के अंदर नहीं घुसते, पहले सांप को अपनी जगह पर लाते हैं फिर उसे मारते हैं। रश्मि, ये एक लंबी कहानी है रश्मि, मैं तुम्हें फिर सुनाऊंगा, अभी निकल चलो, जल्दी कहो चलो। आओ मैं तुम्हें घर के अंदर तक छोड़ दूं। अगर सुनील ने आपको यहां देख लिया तो वो आपको अरेस्ट कर लेगा, आप अंदर नहीं तो अच्छा होगा। देखो सुनील अगर घर पर ना हुआ तो सेठ के आदमी तुम्हें परेशान कर सकते हैं, और अगर सुनील घर पर हुआ तो तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझा दूंगा। वो ये नहीं समझेगा। नहीं समझेगा तो देखा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। आओ। तुम्हें होना
उसी नर्क की आग में चल रहा था, फिर भी तुम्हारे पास तो सुनील था। मैं तो बिल्कुल अकेला था जानकी, बिल्कुल अकेला। तू क्यों नहीं आए? मैं एक दिन आया था। आए थे कब? उस दिन जब मेरे मन की खबर आ चुकी थी, तुम पत्रकारों से बात कर रही थी और तुमने मेरी लाश तक को देखने से इनकार कर दिया था। ऊंचाई से देख भी नहीं पा रही थी कि नीचे धरती पे वही कानून लोगों के साथ कैसे कैसे अन्याय कर रहा है। और ये सोचकर तुमने मुझे जुदाई की सजा दे डाली। और अग्रज जी, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। एक सुहागन को इतनी बरसों तक विधवा बनाए रखा। सिंदूर के बोले के चार सुहागन के मांग में गंगा की तरह बहती रहती है और तुमने मुझसे सिंदूर के वो गंगा छीन ली। अब न्याय और अन्याय की बात करते हो? तुमने समाज के अन्याय का बदला मुझसे लिया। तुम्हें समाज हो? अगर सुनील को पाला ना होता तो मैं कब की मर गई होती। सुनील को तुम क्या जवाब दोगी? मैं कह दूंगी
कि मेरा रघु जिंदा है। और अगर उसने ये कहा कि तुमने जिंदा रघु को कानून के हवाले क्यों नहीं किया तो क्या कहूंगी? मैं कहूंगी कानून ने जिस रघु को मर्दा करार दिया है पहले उसे जिंदा तो करे। मिस्टर रघुनाथ प्रसाद राय सुनील यू आर अंडर अरेस्ट। सुनील भैया इतने दिनों बाद घर आए हैं। कर्मयुद्ध में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता भाभी। पुलिस स्टेशन चलिए कमान। आई एम सॉरी मगर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। But legally he's dead. That's up to the law to decide. नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी। बधाई हो जाने, बधाई हो। क्या पाला है तुमने मेरे भाई को, क्या पाला है। चलो सुनील मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलो। चलो दोनों का तो तुम अच्छी तरह से पहचानते ही होगे। ये तुम्हारी मां समान भाभी है जिसने एक रिक्शा पुनर के छोटे भाई को पाल पोस कर ये पुलिस की वर्दी पहनाई है। और ये रेशमी तुम्हारी क्या होने वाली है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम चाहते क्या हो? बस यही कि रघुनाथ मेरा खास आदमी है, मेरे सारे राज जानता है। इसे भला मैं तुम्हारे साथ कैसे जाने दूं हा? अगर जब जानकी और रश्मि की जिंदगी चाहिए तो इसे रहा कर दो। सेठ मैं गिरफ्तारी नहीं हूं तो मुझे रिहा कैसे करेंगे? मैंने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया है ताकि मेरी सजा मेरी आत्मा पर चढ़े पापों के मैल को साफ कर सके। शाबाश, वाह! इतने सालों तक मेरा नमक खाने के बाद उसकी कीमत नमक हरामी करके चुकाना चाहते हो ना? सरकारी गवाह बन के चुकाना चाहते हो? मुझे जेल भजवा कर चुकाना चाहते हो? बड़े बेवकूफ हो तुम रघु। अब तुम खबरदार, इंस्पेक्टर अगर हिलने की कोशिश की तो याद रखो मेरे आदमियों के पास भी हथियार हैं। और तुम इंस्पेक्टर अगर तुम इन दोनों की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें कीमत देनी होगी। रघुनाथ को मेरे हवाले करो, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। नहीं सुने, तुम अपना फर्ज अदा करो। इतने दिनों बाद मेरे पति और तुम्हारे भाई ने गुनाहों के दलदल से निकलकर कानून और न्याय का साथ देने का फैसला किया है। मेरी ये जीत मेरी जिंदगी से ज्यादा है और कानून की जीत के लिए मैं हजार बार मरने को भी तैयार हूँ। इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ा ही मारूंगा जल जानकी। फिर अपने आदमियों से कहूंगा। अपने केस में क्या बताऊं कि अपने आदमी से क्या कहूंगा? तुम खुद ही सोच लो कि तुम अपनी आंखों के सामने ये सारा तमाशा देख सकोगे। ठीक है सेठ, तुम्हें लोगों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार। शाबाश शाबाश, अब उठाया पहाड़ के नीचे। इंस्पेक्टर पहले अपनी रिवॉल्वर फेंको और फिर रघु को आजाद करो। कमान हरी अप, जल्दी करो, मेरा वक्त बहुत कीमती है। कमान Thank you.
आज आपके वकील ने अपनी बहस से ये साबित करने की कोशिश की है कि मुल्जिम रघुनाथ प्रसाद रॉय ने अपने भाई की जान बचाने के लिए कत्ल किया है। बहस तारीफ के काबिल है, लेकिन मुल्जिम ने जो गुनाह मकदूल दर्शन लाल के साथ मिलकर किए, लेकिन जिन हालात में मुल्जिम को गुनाहों के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया, उनको नजर में रखते हुए अदालत रघुनाथ प्रसाद रॉय को आईपीसी 304 के तहत 7 साल की सजा देती है। मुझे अफसोस है कि चच होने के नाते अपने फर्ज के हाथों मजबूर होकर मैंने तुम्हें ये सजा सुनाई, लेकिन तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैं तुमसे माफी मांग रही हूं, मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हूं जानकी, मुझे हर हाल में तुम पे नाज है। वैसे भी मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलनी बहुत ही जरूरी थी। जो भी हुआ उसे भयानक सपना समझ के भूल जाओ। 7 साल की तो बात है, बस देखते देखते यूं ही 7 दिनों में निकल जाएंगे। 7 साल तो क्या, 7 जन्म तक भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रखो